भारत बंद का नहीं दिखा पटना जंक्शन के आसपास के बाजारों पर असर। दुकानों में पहले की तरह दिखी चहल पहल, तो वहीं वाहनों की आवाजाही भी रही जारी। नए किसान कानून के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। वहीं आज भारत बंद के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर बोला हमला। किसान विरोधी कानून के खिलाफ जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पटना के सड़क पर उतर कर जमकर किया बवाल। विरोध कर रहे जाप सुप्रीमो ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे। अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट करने के मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटना के डाक बंगला में किया हंगामा। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र के खिलाफ। दरभंगा के पूर्व विधायक और राजद नेता अमरनाथ गामी ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजद नेता ने कहा, बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के कारण किसानों पर मनमानी कर रही है सरकार। सहरसा जिले में महागठबंधन के नेताओं ने भारत बंद का किया समर्थन। इस दौरान सहरसा पूर्णिया एनएच के मुख्य मार्ग को किया गया बंद। वहीं सरकार से की कृषि बिल वापस लेने की मांग। श्रेयसी सिंह ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। जमुई में स्थानीय विधायक और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। इस दौरान श्रेयसी सिंह ने खिलाड़ियों को दिए टिप्स। मसौढ़ी में देखने को मिला भारत बंद का व्यापक असर। इस दौरान ट्रेन रुकवाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो वहीं कृषि बिल के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी।